बहुत घमंड है ना तुझे अपनी ताकत पर, लोग टाइगर कहते हैं ना तुझे। आज तू भी अकेला है और मैं भी अकेला हूं। मार मुझे, मार मुझे टाइगर, मार। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा तुझे टाइगर। मार मुझे, मार। आज ये टाइगर को क्या हो गया है? चूहा कैसे बन गया है? बहुत बड़ा गुंडा है तू, गुंडा है तू। मार, मार, मार। चले, मैं चाहूं तो अभी 2 सेकंड में पुलिस एनकाउंटर की आड़ में तुझे ढेर कर सकता हूं। कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, कोई नहीं, वो भी नहीं जिनके इशारों पर तू लोगों को मौत बांटता है। मरे हुए कुत्ते की तरह तेरी लाश को म्यूनिसिपैलिटी वाले घसीट कर ले जाएंगे। कारतूस की तरह होते हो तुम लोग, कारतूस की तरह, जिन्हें चलाते कोई और है। तुझे मारकर मेरा मकसद पूरा नहीं होगा टाइगर। मुझे तो वो हाथ चाहिए जो तुम जैसे लोगों का इस्तेमाल करते हैं, और मैं उन हाथों को काटते रहूंगा। ये मेरा वादा है तुझसे। चल। जब तक तू हमारे इशारे पर काम करता रहा, बहुत बहादुर इंसान रहा रे बल्लू। इतना बहादुर कि हमारे कहने पर तूने एसीपी पर गोली चला दी। मगर जैसन तुझे पता चला कि एसीपी वो लड़की का मर्द है जिससे तू प्रेम करता था, तेरा सर झुक गया। वो एसीपी तुझे मारकर चला गया। अरे हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात रही, तूने नजर तक नहीं उठाई। नजर लग गई रे हमरे बल्लू को। ये हमरा बल्लू नहीं है, नहीं है हमरा बल्लू। ए ललन, यहां आओ। ये देखो बल्लू का लाए हैं, साड़ी, गजरा, चूड़ी, पायल, झुमके, ये सब तोहरी खातिर है। पहन लो इनको और बदल लो अपनी नस्ल। इसे कहते हैं प्रेम का जादू। ये सब उन लौंडिया की वजह से हो रहा है। ना तो उस पुलिस वाले को मार सका, ना ही उस पर हाथ उठा सका, और ना ही अब तोहरे दिल में बजरंग पांडे के लिए कोई जगह रही। अरे भूल गया हमरे सारे उपकार किसकी वजह से? वो दो टके की लौंडिया की वजह से जो तुझे धोखा देकर किसी और के साथ चली गई। पल्लू, अब तो पुलिस वाले से हमारी दुश्मनी और भी बढ़ गई है, जानते हो क्यों? क्योंकि उसने हमसे हमरे बल्लू को छीन लिया। मरेगा, बहुत भयानक मौत मरेगा वो पुलिस वाला। उसे कुछ नहीं होगा, उसे कुछ नहीं होगा, मैं उसे मरने नहीं दूंगा। तू उसे मरने नहीं देगा और हम उसे जीने नहीं देंगे। आज के बाद पल्लू, ये जंग हमरे और तुम्हारे बीच रहेगी। देखते हैं, देखते हैं कि कौन जीतता है। हेलो, हेलो, मैं बल्लू बोल रहा हूँ। सेवी का फोन मत रखना, तुम्हें मेरी कसम। यहाँ फोन क्यों किया?
ये कहने के लिए कि आज नहीं तो कल तुम मुझे विधवा बना दोगे? देविका मुझे गलत मत समझो। गलत इंसान को गलत नहीं समझू तो और क्या समझू? देविका मुझे मालूम नहीं था कि ऐसी भी महिला तुम्हारे पति हैं। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। ठीक है, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे सामने, छुप कर तुमसे बातें करूंगा, लेकिन एक बार आकर मुझसे मिलो। क्यों मिलूं मैं तुमसे? अपनी सफाई दोगे मुझे? अपने आप को बेगुनाह बताओगे? यही ना? अपने आप को बेगुनाह साबित करने का वक्त निकल चुका है देविका। अब सिर्फ मैं तुम्हारे पति की जिंदगी की खातिर मिलना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे घर आदमी भेज दिया है, उसके साथ आ जाना, यह मेरी तुमसे विनती है। पल्लू, आज मैंने अपने हाथों से खाना बनाया है, लो खा लो। क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ? देविका, अपने पति से कहो कि यहां से ट्रांसफर ले ले। क्यों? क्योंकि उनकी जान को यहाँ खतरा है। कौन मरेगा उन्हें? तुम? सिर्फ इसलिए कि मैंने तुमसे शादी नहीं की? नहीं देविका, नहीं। तो फिर तुमने उन्हें जान से मारने की कोशिश क्यों की? और अब तुम ये धमकी दे रहे हो कि उनकी जान को खतरा है? और क्या हम ये शहर तुम्हारी वजह से छोड़ दें? अरे नहीं, वो इतने बुजदिल नहीं है। वो सामना करना जानते हैं, छुप कर पीठ पर वार करना नहीं आता है उन्हें, और इसीलिए मुझे अपने पति पर गर्व है और मैं उन्हें अपना देवता मानती हूँ। देवता? अगर तेरा पति तेरे लिए देवता है ना, तो ये इंसान भी किसी देवता से कम नहीं है। ये जो आज तू इतने शान से सुहागन बने खड़ी है ना, ये सब इसी देवता की वजह से है। इसने तेरे पति को मारने की कोशिश जरूर की, लेकिन जब इसे पता चला कि वो तेरे पति हैं, तो इसने अपनी जान दांव पर लगाकर तेरे पति की जान बचा ली और अपने ही लोगों से दुश्मन। नहीं मधु, बस आज मुझे बोलने दो। बल्लू, ये तेरी भूल है कि ये तुझसे तेरी बेवफाई का बदला लेना चाहता है। अरे अगर इसे बदला ही लेना होता ना, तो इतने साल नहीं लगाता, कब का तुझे बर्बाद कर चुका होता। उस सेठ का खून एक हादसा था देविका। जेल से छूटने के बाद ये तेरे घर भी आया, लेकिन तब तक तेरे पिता तुझे इसकी दुनिया से बहुत दूर ले जा चुके थे। उस दिन ये बहुत रोया देविका। चाहता तो तुझे ढूंढ भी सकता था, लेकिन तेरी बदनामी और रुसवाई ने इसे तुझे भूलने पर मजबूर कर दिया। आज जो तुझे ये देवता जैसा पति मिला है ना, सब इसी की दुआओं से मिला है, जिसकी खुद की जिंदगी किसी बददुआ से कम नहीं है। तू इसकी दुनिया से क्या गई, ये हालात ने एक नेक रहमदिल बलराम को एक खूंखार बल्लू टाइगर बना दिया। मैं तुमसे विनती कर रहा हूं देविका, अपने पति का यहां से ट्रांसफर करवा लो। बजरंग पांडे ने उनकी जान लेने के लिए काफी लोगों को लगा रखा है, आज तो मैंने उन्हें बचा लिया, कल शायद। मुझे तुम पर नाज़ है देविका, आई एम प्राउड ऑफ यू।